गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मैं आप सभी का एक और नए कमाल के ब्लॉग पर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 18 तारीख, दिन है संडे और सुबह के बज रहे हैं 7। सबसे पहले हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। दोस्तों आज का ब्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों काफ़ी दिनों से मैंने अपने चैनल पर ब्लॉग डाला भी नहीं है, अपलोड भी नहीं करा है, तो आज से डेली की डेली मैं ब्लॉग शूट करूँगा और डेली सुबह 7:30 बजे के टाइम पे अपलोड भी करूँगा। दोस्तों एक दिन छोड़ कर डालूंगा, जैसे संडे का ब्लॉग है मंडे को आएगा। चलो दोस्तों आप बने रहिए ब्लॉग में, करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले अपन छत पे चलते हैं, देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा है। चलो, ये हमारी मम्मी हैं, ये मम्मी गले में कुछ बता रही हैं गऊ माता को। गाय का बर्थडे आज, अरे भैया इस गाय का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो गाइस आ गई है चाय, चाय पीते हैं, मॉर्निंग की स्टार्ट करते हैं, छत पे चलते हैं। चलो चाय दोस्तों मैं ग्लास में ही पीता हूँ, मेरे को कब से नहीं जमता अपन, क्योंकि देसी आदमी है तो अपन देसी वाले ही काम करते हैं, अपन को विदेशी और चौसले पसंद ही नहीं है। चलो गाइस चाय पी ली है, छत पे चलते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह करेंगे, घूमेंगे और उसके बाद में देखते हैं सनराइज देखते हैं। चलो प्लानिंग फॉर ट्रिप टू उज्जैन, अभी चल रही है दोस्तों प्लानिंग, अभी देखते हैं चलेंगे। आज श्री महाकाल बाबा के, इनके अपने अपने राजा कालों के काल महाकाल के आज करने वाले हैं अपन दर्शन, बने रहिए ब्लॉग में। काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल काल का। दोस्तों आज की राइड में, आज के ब्लॉग में अपन चलने वाले हैं दोस्तों उज्जैन, इंदौर टू उज्जैन। आज मेरे साथ जाने वाले हैं गौरव और शुभम, इसको तो आपने मेरे हरेक ब्लॉग में देखा होगा, तो चलो आज के ब्लॉग में बने रहिए। आज करने वाले हैं श्री महाकाल राजा के अपन दर्शन। चलो कुछ बोलना चाहते हैं बोलो। आज लेके चलेंगे हम आपको मध्य प्रदेश का स्वर्ग। चलो चलो चलते हैं। चलो भाई जब लग गई है भूख रास्ते में, कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं उज्जैन, मिलते वहीं पर। गाइस रास्ते में हो गया है तगड़ा वाला पोपट, पोपट ये हुआ है कि दोस्तों हमारी गाड़ी हो गई है गरम, स्कूटी से आए थे स्कूटी हो गई गरम, और उज्जैन यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर दूर हो रहे हैं, थोड़ी गाड़ी ठंडी हो जाए फिर उसके बाद में चलते हैं उज्जैन श्री महाकाल मंदिर। ये देखिए भाइयों लोगों, हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है, ऐसा लग रहा है कि इसके इंजन में कुछ ख़राबी आ गई है। ये देखो गाइस, ऐसा लग रहा है कि इस इंजन चला गया है इसका, अब हमको लगता है हमको जाना पड़ेगा उज्जैन पैदल। हमको लग रहा है महादेव हमको पैदल ही बुलाना चाह रहे थे हम, लेकिन गाड़ी लेके आ गए। सही है भाई, देखो ये देखिए हमारे सिट्टू भाई बिलोकर। ये भाई को अपनी गाड़ी पर इतना विश्वास था, बोले मेरी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी, ये देखो रास्ते में छोड़ चली जाएगी, बना दूंगा रे बंद कर। गाइस इन लोगों ने मेरे से ना मना किया था कि भाई स्कूटी से नहीं जाएंगे, 80-90 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपनी नहीं चलने दी और इनको लेके आ गया। दोस्तों अब क्या डरकाना पड़ रही है, गाड़ी डरकाओ भाई। और उज्जैन यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है, चलो देखते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर सीधे सीधे भगवान के पास पहुँच जाए तो क्या मज़ा, थोड़ा आड़े टेढ़े रास्तों से जाना चाहिए। चलो कुछ आड़े टेढ़ा तो काम हो ही गया है अपना, चलो पहले ढूंढते हैं दुकान, गाड़ी से करवाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस मिल गई है दुकान, इतनी मशक्क़त के बाद में 3-4 किलोमीटर पैदल पैदल गाड़ी चलाना पड़ी दोस्तों, ये मिल गई दुकान। चलो पंचर बनवाते हैं और उसके बाद में चलते हैं वहाँ पर। गाइस गाड़ी में ज़्यादा काम तो नहीं निकला है, फिर भी काम है, 3 पंचर निकली, 3 पंचर हो गई थी, 3 पंचर के बाद में दोस्तों बेल्ट टूट गया, बेल्ट चेंज करते हैं उसके बाद में ऑयल वगैरह देखेंगे, पहले बनवाते हैं फिर चलते हैं श्री महाकाल राजा के दर्शन करते हैं। चलो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अपन उज्जैन, अब पहुंच गए अपन रामघाट पे, चलो नहाते हैं उसके बाद करेंगे बाबा श्री महाकाल के दर्शन। चलो गाइस, चलो गाइस पहुंच गए नदी में, नहाते हैं।
रंग गए महाकाल के रंग में। अब चलते हैं, करते हैं दर्शन महाकाल जी के। चलो भाई जूते चप्पल उतार देते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं महाकाल राजा के दर्शन करने। देखना भाई कोई चप्पल नहीं ले जाए अपनी। चलो देख लेंगे उधर, जैसे एक झलक के लिए फिर से एक साल इंतजार करेंगे। अद्भुत भीड़ है महाकाल मंदिर में। अपन सबसे ऊपर वाली आन में वो सबसे अच्छी है, वो VIP एंट्री है। नंबर चलो आगे भी चलेंगे तब चलेंगे। गाइस बटुक भैरव श्री क्रोध सुसंगार भैरव चलो गाइस फाइनली महाकाल राजा के अपन ने कर लिए दर्शन। ये वाले ब्लॉग को गाइस मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद आपको एक और ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। उज्जैन की अभी सीरीज चल रही है दोस्तों, महाकाल राजा के दर्शन कर लिए हैं। चलो बाय, जय श्री महाकाल।